आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको वीवो T3 अल्ट्रा में आपको कैसे जो नेटवर्क स्पीड होता है वो नेटवर्क स्पीड को कैसे इनेबल करना और साथ ही में आपको बताने कैसे उसको बैटरी परसेंटेज को भी इनेबल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे और आपको बताएंगे कैसे आपको नेटवर्क स्पीड को इनेबल करनी है। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा और सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद स्क्रॉल के नीचे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस करके, तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर दीजिए और स्क्रॉल के नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टेटस बार करके, तो स्टेटस बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया है नोटिफिकेशन मेथड, उसके बाद यहाँ पे शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और एक बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज। तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल करनी है तो सिंपली इसे इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे आपका रियल टाइम नेटवर्क स्पीड हो जाएगा। बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना है तो यहाँ पे बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज, तो इस पर आगे करना आपको यहाँ पे डिस्प्ले और साइड बैटरी परसेंटेज, इस पर क्लिक करके देख लीजिए बैटरी परसेंटेज मेरा हो गया। तो इसे यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा।